एक्सरसाइज खड़े होकर के नहीं करनी है, वो एक्सरसाइज बैठकर करनी है। तो सबसे पहले बैठने का तरीका क्या होगा, बैठो, दोनों हाथ आगे लेके जाओ, हाँ जैसे बैठते हैं, जाओ आराम से ले जाओ, वेरी गुड, जाओ हाँ, और धीरे से एक पैर मोड़ो और हिप्स के पास आ जाओ, बैठ जाओ जैसे बैठते हो, हाँ बैठो, वेरी गुड, इस तरह से बैठना है। अब आप सीधी लेट जाओ। घुटने दर्द वाले को, जिसका एडवांस हो गया है, जिसको सीढ़ी चढ़ने में दर्द आ गया है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी खड़े होकर कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। अगर वो खड़े होकर एक्सरसाइज करेगा, इसका मतलब घुटने बर्बाद होना निश्चित है। तो बर्बाद नहीं होने चाहिए, बहुत जरूरी है बैठकर एक्सरसाइज करना। तो एक्सरसाइज नंबर वन कैसे करना है, ध्यान रखना, घुटनों के ग्रीस को फिर से लाने वाली एक्सरसाइज है, बहुत आराम से ध्यान से करना, चूक नहीं होनी चाहिए, आप भी ध्यान से करना और आप भी ध्यान में करना। तो पहला दोनों घुटनों का करना ज्यादा अच्छा है, ये घुटना उठाओ, सीधा करो पैर, वेरी गुड, ये सीधा हो गया। अब सीधा होने के बाद एक हाथ से यहां पकड़ लो, दूसरे वाले हाथ से पकड़ लो, जैसे सरल हो, ठीक है। पंजे को नीचे लेकर आओ, एड़ी को नीचे लाओ पूरा, अब ऊपर लेके जाओ, जब ऊपर लेके जाना है तब पंजे को ऊंचा खींचना है, सीधा खींचो, सीधा कर दो पंजा, ऐसे सीधा, वेरी गुड। अब नीचे लाओ तो पंजे को बिल्कुल मोड़ना है, यानी एड़ी नीचे जानी चाहिए, पंजा अंदर की तरफ आना चाहिए। चलिए वन करो, पंजा सीधा, टू नीचे एड़ी, हाँ ऐसे, वन पंजा सीधा, टू वन टू वन टू, गुड। इस तरह से वन एक्सरसाइज, ये आप 20 बार करिए, ठीक है जी, 20 बार। दूसरी एक्सरसाइज है, यही पकड़ो, इस पकड़ के अब इसको पूरा मैक्सिमम नीचे प्रेशर देना, सीधा करो थोड़ा, पंजा सीधा करो, अब मैक्सिमम प्रेशर दो नीचे, नीचे लो और मैक्सिमम दो, गुड, और हाथ से और अच्छी तरह ग्रिप कर लो, और अच्छी तरह ग्रिप कर लो, और पेट के पास ले जाओ, गुड, चल नीचे मैक्सिमम दो, हाँ दो और प्रेशर, रिलैक्स, थोड़ा सीधा लूज करो, बस फिर वापस लो, और प्रेशर दो, और प्रेशर दो, और प्रेशर दो, सीधा करो, अब सांस भरना है, सांस रोकना है, प्रेशर दो, सांस छोड़ दो, सांस भरो, सांस रोको, प्रेशर दो, छोड़ दो, सांस भरो, सांस रोको, प्रेशर दो, रिलैक्स, समझ आ रहा है, ये हो गया कौन सी एक्सरसाइज, ढीला छोड़ दो, रिलैक्स। यहीं से तीसरी एक्सरसाइज कैसे करनी है, तो फिर से पैर को उठाओ, अब इससे गोल बनाओ, जितना मैक्सिमम बड़ा बन सकता है बनाओ, वेरी गुड, पूरा बड़े से बड़ा बनाओ, बड़े से बनाओ, और बड़ा बनाओ, हाँ पकड़ो, ठीक से पकड़ लो, टांग को पकड़ लो, हाँ अब बड़ा बनाओ, वेरी, मतलब घुटने से नीचे हिलाना नहीं, घुटने से ऊपर हिलाना है, चलिए गोल घुमाओ, वेरी गुड, गोल घुमाओ, शाबाश, समझ आ गई, हाँ। अब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, मैक्सिमम जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा, ध्यान आ रहा है आपको, हेल्प करनी पड़ेगी शुरुआत में, हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है, बस रुक जाओ, नीचे रखो पैर, सीधा कर दो, तीन एक्सरसाइज होगी। अभी चौथी एक्सरसाइज, अभी यहां पंजे को उठाओ, घुटने को मोड़ो और मैक्सिमम लेके जाओ, मैक्सिमम इन मसल्स को टाइट करो, सीधा करो, अब दूसरा टाइट करो, यहां पैरों के नीचे तकिया लगाना और अच्छा रहेगा, इस तकिया लगाने से, चलिए मोड़ो, हाँ नीचे करो, नीचे करो जी, नीचे, दूसरे वाला नीचे, वेरी गुड। ये वाली एक्सरसाइज भी कंटिन्यू आपको काफी बार करनी है, मतलब कम से कम ये शुरुआत 20 से करिए, पर 50 तक लेकर जाना है, ठीक है जी। अब है बैठकर, तो पांचवी एक्सरसाइज ग्रीस को दोबारा से लेकर आने वाली, घुटने को मोड़िए और झटके से पैर को पीछे लेके जाइए, मोड़िए, गुड, दूसरा, शाबाश, जमीन पर एड़ी रगड़ती हुई जाएगी, शाबाश, तेजी से झटका मारो, गुड, और जी, और करो जरा थोड़ा थोड़ा, यस, थोड़ा झटके से, और तेजी से, ध्यान आ रहा है, ये चीजें ध्यान कराना, गुड, और इसको भी, वेरी गुड, और वेरी गुड, ध्यान रखना
यहां पर हमारी सपोर्ट पीछे ठीक से रहनी चाहिए, रिलैक्स बॉडी रहनी चाहिए। इसके बाद छठी एक्सरसाइज करनी है, वो है सपोर्ट के साथ घुटनों के नीचे कुछ भी ऐसी चीज लगा देनी है दोनों घुटनों के नीचे। अब यहां देखना ये मसल्स टाइट करनी है और इसको दबाना है। चलिए शुरू करो, दबाओ, गुड, रिलैक्स, सांस भरो, रोक लो 4-5 सेकंड के लिए, रिलैक्स। फिर से दोनों भी कर सकते हैं, 1x1 करो तो ज्यादा अच्छा है। फिर से करो, सांस भरो, रोको, रिलैक्स, इसको दबाओ पूरे फुल फोर्स से इसको दबाओ, ठीक है। और हाँ, और फिर से दबाओ, वेरी गुड, रिलैक्स। अभी हमने इसको निकाल दिया और अब क्योंकि हमने सब कर लिया तो पंजों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। चलो घुमाओ, ये छठी एक्सरसाइज है, पंजे को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। अब वापस घुमाओ, शाबाश, समझ आ रही है ना, क्या समझ आ रही है, ठीक से घुमा रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक से घुमाना है, ऐसे, ठीक है, वेरी गुड। जो घुटने जाम है वो घुटने खुल जाएंगे। छठी और सातवीं एक्सरसाइज क्या है, अपने घुटने को बच्चे की तरह से डुलाना, उठाओ उसको। अब हाथों में ये पंजे को ऐसे ले लो, इस एड़ी को पकड़ना और ये दूसरे हाथ को घुटने के नीचे सपोर्ट देना, गुड। अब इसको मैक्सिमम ऐसे लंबा लेना, इधर खींचना, लंबा लेना, इधर खींचना, वेरी गुड, पूरा डुलाओ, पूरा डुलाओ, ठीक, शाबाश, डुलाओ। दिन में 4 बार करो इन एक्सरसाइज को। इनका खाने पीने से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, खाना खाने के आधे घंटे के बाद कर लो, समझ आ रही है, आधे घंटे के बाद कर लो। दिन में 5 बार करो, 6 बार करो, सारे दिन यही तो काम है भाई, अभी तो घुटने चल नहीं सकती हो तो यही करना है, ये घुटने चलने लायक बना देने, समझ आ रही है ना, घुटना अच्छा सीधा करो, कैसा लग रहा है पहले करते हुए, ये लाओ, चलो ये वाला करो, है हाँ उधर, हाँ गुड, करो जरा बच्चे की तरह, जब इधर लाओ तो उसको लंबा कर दो और ऐसे लेके जाओ, हाँ ये गुड, इधर लाओ पैर को, हाँ ऐसे गुड, ऐसे बच्चे की तरह से, हाँ लंबा करना, घुटने को खोलना और मोड़ना, लेकिन ऐसे खोलना, ऐसे खोलना, ठीक है, ऐसे खोलना। ये आपकी 7 एक्सरसाइज होने के बाद पैर सीधा करो। अब धीरे धीरे इन घुटनों को ऐसे ऐसे खुद ही खुद मालिश कर लो, करो खुद ऐसे मालिश करो, हाँ वेरी गुड, करो खुद ही मालिश करो। ये जो आपने किया है इससे अंदर क्या करती रहो, अंदर क्या हो गया, अंदर सूजन है, इसके कारण से फ्लूइड जो चलता नहीं है, तो ऐसे में आपने जब ये किया और आपने ये जो मालिश करना शुरू कर रही हो तो सर्कुलेशन पूरा बढ़ गया, घुटने के अंदर सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, फ्लूइड अपने आप बनना शुरू हो जाएगा, सर्कुलेशन कम होता है इसीलिए फ्लूइड कम हो जाता है, समझ आ रही है, सूजन आ जाती है, ऐसे सूजन खत्म हो जाएगी। इस पैर को भी करो, तो घुटना दर्द है, घुटना दर्द है, ज्यादा खराब हो गया है, तब ध्यान रखना खड़े होकर के एक्सरसाइज मत करना। अगर खड़े होकर एक्सरसाइज करी तो आपके घुटने बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है, जरूरी है ऐसे ही बैठकर लेटकर करो। और घुटना खराब है तो सारे दिन करना क्या है, भाई किचन में खड़ी नहीं हो सकती, हो सकती हो, मार्केट से सामान नहीं ला सकती हो, ला सकती हो नहीं, ला पा रही हो, नहीं ला पा रही हो ना, तो क्या करोगी, घुटने ही ठीक कर लो, यही धंधा है, दूसरा क्या धंधा है, ये बताओ पहले ठीक कर लो, फिर बाजार में जाना, फिर रसोई में खड़ी होना, नया ग्रीस बना लो, समझ आ रही है, नया ग्रीस बना लो। तो ये एक्सरसाइज अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, इससे एक्सरसाइज से संबंधित कुछ और बात पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, आपको कोई बात नई चीज जोड़नी है या कठिनाई आ रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, जिससे मैं आपको आपके जवाब ठीक से दे सकूं। और ये घुटने के रोगी घर घर में है, इसलिए इनकी जो वीडियो कराया इनको है, लेकिन आप इसको अधिकांश लोगों को शेयर करो, क्यों, आपकी जेब से तो कुछ जाने वाला नहीं है, आपने तो फटाक से ग्रुप में डालना है, आपने फेसबुक में डाल दो, ग्रुप में डाल दो, क्यों, ऐसी कितनी देवियां हैं जो घर में घुटने दर्द के कारण से परेशान है, पिंजड़े में कैद हो गई हो कि नहीं होगी, तो ये पिंजड़े के पंछी को आजाद करना कि नहीं करना है, क्या जी, काफी आराम, पहले से बहुत आराम, आराम है, काफी आराम है ना, सच बोल रही है, मेरा दिल रखने के लिए नहीं, सच बोल रही है, आराम है। अब ये आरोग्य पीठ में ट्रीटमेंट लेने के लिए वृंदावन में आई है, यहीं पास में रहती है,
मथुरा में रहती है। मथुरा में रहती है। थक गई थी आप सारे घुटने उठने को दिखा दिखा के? हाँ, डॉक्टर का तो इलाज चला है, बहुत चला है। हाँ, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। कुछ फायदा नहीं हुआ, वो तो ये करेंगे रिप्लेसमेंट करा लो। तो आपने कराया कि नहीं? नहीं कराई, इसलिए फिर क्या करेंगे 15 साल बाद? अच्छा, 15, ये बात फिर क्या करना होगा? आज मैं ये वो करा लूं बोला था, ये उम्र के हिसाब से कराना होता ये तो। अच्छा, तो आपने कहा भी अभी नहीं कराना है? पर आपको लग रहा है ऑपरेशन कराने की जरूरत? ऐसी सही हो तो अच्छा है ना। अच्छा, पहले ये नेचुरल हो, नेचुरल बना। अब आपका फ्लूइड या नेचुरल आ रहा है, इसमें ध्यान रखना। ये जो ट्रीटमेंट, एक तो ट्रीटमेंट चल रहा है आरोग्य पीठ में, दूसरा ये एक्सरसाइज जो मैंने इनको बताई है, ये एक्सरसाइज इनके घुटने को नेचुरली कर देगी। आपको ये एक्सरसाइज करने के लिए मुझे कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ठीक रहो, यही मेरा उद्देश्य है। जब ठीक ना रहो, इनके जैसी हालत आ जाए तो फिर आ जाओ आरोग्य पीठ दिल्ली, आ जाओ चाहे वृंदावन में, तब तो यहाँ कहीं भी आ जाओ, लेकिन तब तक अपने ये एक्सरसाइज करो और अपने को फिट रखो, बस इतना ही मेरा निवेदन है। चलिए खड़े हो जाओ। शाबाश, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। आप अपने दिल की सही बात बताना कि आरोग्य पीठ वृंदावन में आके जो आपने इलाज कराया है, आपको क्या महसूस होता था और अब कैसा लग रहा है, ये बताओ। भगवान आप आ जाओ, प्रभु आ जाओ, आप भी आ जाओ मेरे भगवान। आप आराम है इसे बहुत मुझे जी। पहले क्या तकलीफ होती थी और अब कैसा है? पहले बहुत दर्द होता था घुटनों में। जमीन पर बैठ पाई? नहीं, बिल्कुल नहीं, रोक दिया था। हाँ, बिल्कुल पैर मुड़ते ही नहीं थे। अब थोड़ा बहुत आराम है, बहुत आराम है, नेक नहीं, बहुत आराम है। वो मैं बहुत आराम को कैसे मानूं? आप कैसे कह सकती हो कि मुझे बहुत आराम है? पहले क्या नहीं कर पाती थी, अब क्या कर पाती हो, इतना बता दो। या क्या आप, मैं कैसे मानूं कि आपको बहुत आराम है? अब नीचे बैठ जाती हूँ वैसे, चलो पैर फैला के, पहले अच्छा। नहीं बैठ पाती थी। अच्छा, जो और अब आराम है इसलिए बैठ पाती हूँ नीचे। बैठ पाती है? हाँ। और चलने में कैसा रहता था? बहुत अच्छा लगता है अब चलने में, पहले बहुत दिक्कत आती थी चलने में भी। चलने में दिक्कत आती थी? हाँ, दर्द होता था, ऐसा लगता बैठ जाऊं चेयर पे। अच्छा। हाँ, और खड़े रहने में कितनी देर खड़ी हो गई थी? ज्यादा देर नहीं। पहले कितना खड़ी हो पाती थी? पहले नहीं खड़ी हो पाती थी, अब तो वो खड़े टहलना, वॉक करना, रात को वॉक करती हूँ। रात को वॉक कर लेती है? और आराम से खड़ी भी रहती है? हाँ, सब है? काम खड़ी भी रहती है जी। आपने तो भुगता ही है जी। जी, मैंने भी भुगता है और मैंने दिल्ली तक इनको दिखाया है, काफी कुछ दिखाया है। अच्छा, लेकिन कोई आराम इनको नहीं मिला। हाँ। जब मुझे यहाँ की जानकारी हुई तो मैं मिला वृंदावन आरोग्य पीठ की, तो मैं आया, यहाँ से चर्चा की, मैंने आपसे मुलाकात हुई, उसके बाद फिर मैंने ये ट्रीटमेंट चालू करवाया इनका। तो काफी आराम है पहले से, जो पहले खड़ी नहीं हो पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, उसमें बहुत आराम है। पहले घुटने नहीं मुड़ पाते थे, आज आपको इनके चेहरे को देख के कैसा लगता है? जब पहले और अब में पहले से बहुत आराम है, और जो खुशी इनके मन में है, जो चेहरे पर झलकती है, वो इसी का नतीजा है कि जो इनको आराम मिल रहा है। सही है जी। तो अब आप लोगों को क्या बताओगे? मैं तो यही चाहता हूँ कि लोगों को मेडिसिन तो जो लेते हैं, लेकिन ऐसे आरोग्य पीठों को भी ज्वाइन करना चाहिए, आना चाहिए, और एक्सरसाइज लेनी चाहिए, यहाँ की थेरेपी लेनी चाहिए। तो घुटना ऑपरेशन कराना है ना, उससे पहले एक बार आरोग्य पीठ मिलना चाहिए, आना चाहिए। आप करा लो, मना नहीं करता हूँ, लेकिन एक बार आरोग्य पीठ आ जाओ। मैं पहले घुटने ठीक कर देता हूँ, बाद में ऑपरेशन करा लेना, कौन मना करता है। घुटने के अलावा और भी बीमारियां हैं जो यहाँ सही हो रही है, जैसे मैंने महसूस किया इनकी डायबिटीज बहुत रहती थी, 350 तक रहती थी। अच्छा। लेकिन अब नॉर्मल है, सबको भले भाई घुटने ऑपरेशन कराओ जी, पहले ठीक तो करा लो जी, पहले घुटने ठीक करा लो आरोग्य पीठ में आके, उसके बाद ऑपरेशन करा लेना, कौन मना करता है भाई। कुछ लोगों को शौक है भाई, 3-4 लाख रुपए बिना खर्च किए, हम तो सस्ते में निपट जाते हैं, तो खर्च करना ही है, तो भाई बाद में कर लेना, पहले घुटने ठीक करा लो।
बाद में ऑपरेशन करा लेना। हमको अपना केवल समय देना है, जो समय आदमी यहाँ समय देना और पैसा देना है, दो चीज देनी है। पैसा तो वहाँ भी दे रहे हैं, पैसा तो वहाँ भी दे रहे हैं, वहाँ भी लाखों रुपए खर्च होता है, लेकिन यहाँ अगर कराया जाएगा तो वो ज्यादा सूटेबल है और ज्यादा चीप पड़ेगा वो। ठीक बात, पैसे के बाद साथ भी और समय के साथ भी, समय के साथ। तो एलोपैथिक की जो दवाई लेते हैं वो और भी खाली इतने हमको बीमारियां दे जाती है जो उसको महसूस नहीं कर पाते। ये बात लोग नहीं समझते कि दवाइयों का जो साइड इफेक्ट होता है, बाकी चीजें खराब होती है, उनको तो कोई समझ नहीं। पेन किलर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो दवाती है, उसको दवाती है, खत्म तो करती नहीं करती। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो अगर हम एक्सरसाइज से अगर ये चीज खत्म हो जाए तो उसका जो साइड इफेक्ट हमको मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है, समझ आ रही है बात। इन्होंने वो चुन लिया तो मैं आपके, इन्होंने 6 लाख रुपए बचा दिए साहब, थोड़ा अधिकार हमारा भी उस पे। इनके 6 लाख बच गए तो खुशी तो इनको होगी होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।